Buddy, man. चलो आराम से, गाड़ी बहुत दूर है। ध्यान से करिए, अच्छे से देखिए गाड़ी आपकी। थैंक यू, थैंक यू। ए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Sid, what are you watching? I'm watching Dhavariya Jodi on Instagram. How well are we tracking? You're watching the whole film on your phone? Dhavariya Jodi scenes and trailers and how well our songs are doing. Why are you wearing your chashma? To look better? I was saying, get them. I want to take a dirty close-up of you. Wait. There's no dirty close-up of you. परिणीति हियर। यस सर। परिणीति, आपका पोस्टर में लुक देख के ऐसा लग रहा है कि एक और देसी गर्ल तैयार है और एक देसी गर्ल पहले ही धमाल मचा चुकी हैं। तो देख के ऐसा लगता है कि साथ में दोनों देसी गर्ल आती हैं तो कितना धमाल होता। तो कुछ इस बारे में बता सकती हैं आप? अब मैं क्या बोलूं? आई थिंक इस इंडस्ट्री में और इस दुनिया में एक ही देसी गर्ल हो सकती है। मैं कोशिश भी नहीं करूंगी, बट हम दोनों आई थिंक बहुत देसी हैं इस फिल्म में। उतना ही कहूँगी, आई थिंक मैं कुछ और नहीं कह सकती, बिकॉज देयर इज ओनली वन एंड ओनली द ओरिजिनल देसी गर्ल एंड नोबडी एल्स कैन टेक हर प्लेस। साथ में आने वाले अभी कभी फिल्म कुछ बात एक हो फिल्म में ऑफ कोर्स अगर स्क्रिप्ट करेक्ट हो तो डेफिनेटली वी वुड लव टू डू अ फिल्म टुगेदर। एंड अभी मैंने रिसेंटली बोला भी था, इफ देयर इज एन एक्शन फिल्म, कोई अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुन रहा है तो या वी वुड लव टू डू एन एक्शन फिल्म टुगेदर। वी हम लोग बहुत बात करते हैं कि कुछ साथ में करना चाहिए, बट इट शुड बी करेक्ट। जी हाय, दिस इज साक्षी फ्रॉम E24। फर्स्ट ऑफ ऑल द सॉन्ग इज ऑसम एंड देसी लुक में आप दोनों बहुत ही जच रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे सब जानते हैं कि सेलिब्रिटीज़ और मीडिया का काफ़ी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, जितना हमें आपकी ज़रूरत होती है उतनी ही आपकी हमें ज़रूरत होती है। तो रिसेंटली एक सेलिब्रिटी ने मीडिया के बारे में काफ़ी अभद्र शब्द कहे हैं, मैं कंगना रनौत की बात कर रही हूँ, और उन्होंने इवेंट पे भी जर्नलिस्ट से सबके सामने झगड़ा किया। इसके बारे में आपका क्या कहना है एज अ सेलिब्रिटी, बिकॉज कहीं ना कहीं हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। आपका हमें शुरुआत का समझ आया, लैटर हाफ नहीं समझ आया, पर आई थिंक जो आप रिश्ते की बात कर रहे हैं। नहीं, मेरा कहना है कि अगर जैसे कंगना ने अभद्र शब्द यूज़ किए हैं मीडिया के लिए, तो उस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप सेलिब्रिटी फ्रेटर्निटी से हैं। नहीं बिल्कुल, ये जो हमारा और आपका रिश्ता है, आई थिंक इट्स कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दो जो बहुत ही पुराने कपल्स होते हैं ना, मियाँ बीवी, कभी लड़ाई नोक झोंक या कोई चीज़ें बुरी लग जाती हैं तो वो रूठ जाते हैं आई थिंक। बट हमें इसको ना पर्सनली लेकर, बिल्कुल प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, आप भी अपना काम करने आए हैं, हम भी अपना काम